हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का पुष्प जल अक्षत रोली तथा सुगंधित पदार्थों से पूजन करें, देसी घी का दीपक जलाएं, आरती करें, पीले भोग भगवान को अर्पित करें और सारा दिन भगवान की भक्ति करें। इस दिन जया एकादशी का व्रत करें और व्रत कथा भी जरूर सुने। तो व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व गा रहा था और पुष्पावती नामक अप्सरा नाच रही थी। दोनों ही अब एक दूसरे में आसक्त हो गए और लय ताल भूल गए। लय ताल भंग होने से इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र को गुस्से में उसने आकर उन दोनों को पिशाच योनि में जाने का शाप दे दिया। तुरंत ही दोनों पिशाच हो गए और इंद्र के शाप से हिमालय पर पिशाच बनकर दुख भरा जीवन व्यतीत करने लगे। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह बहुत दुखी हुए और दोनों ने दिन भर कुछ ना खाया और ना ही पिया। वह दिन भर भूखे प्यासे ही रहे और पूरा दिन भगवान का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और वह पिशाच देह को छोड़कर और सुंदर देह को धारण करके स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मित्रों, जया एकादशी के व्रत रखने मात्र से दुखों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और इस जीवन के हर सुख मिलते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको भी जया एकादशी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।